हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं विंडो के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो देखिए, मैंने कल के क्लासेस में फोर स्टेप बता दिया था, बोलो आज हमको फाइव से बताना है। तो देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है रिमूव टेम्पररी फाइल, मतलब कल जो हमने डिस्क को क्लीन अप किया था, क्लीन अप करने के बाद भी कुछ ऐसे फाइल होते हैं, टेम्पररी फाइल होते हैं, बेकार की फाइल होते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है, हमारे सिस्टम में रहते हैं, तो उसको भी हमको हटाना बहुत जरूरी होता है। अब वो हटाएंगे कैसे, क्या इसके स्टेप है, देखो बताया जा रहे हैं आपको कि विंडो के साथ आर दबाओगे और जो ओपन बॉक्स खुलेगा जिसमें कुछ लिखना है उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा %10%। अब यह जो बनाया हूं यह ऐसे नहीं करना है आपको, यह बताया गया इसके बाद यह, इसके बाद यह, ऐसे स्टेप है। तो आपको टाइप करने होंगे %10% अल्फाई डिलीट, इस रिसाइकल बिन में जाएंगे और वहां से आल डिलीट करेंगे, मतलब सबसे पहले टेम्प्रोरी फाइल को डिलीट करना है, फिर से वहां से डिलीट हो जाए, फिर से जाके रिसाइकल बिन से डिलीट कर। तो चलिए कैसे होगा, तो बहुत सिंपल सा स्टेप है। विंडो के साथ आर दबाते हैं और टाइप करते हैं %10%, और करेंगे ओके। तो लगभग देखो उतना करने के बाद अभी भी 677 हमारी टेम्प्रोरी फाइल है, यहाँ पे देखो दिख रहा, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कंट्रोल ए करेंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक एक करके सेलेक्ट करके डिलीट करते रह जाए। ठीक है, और टाइम ज्यादा लगेगा, तो कंट्रोल ए किया, पूरा सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक किया, इसको डिलीट कर दिया। अभी भी कुछ रनिंग प्रोसेस में वो नहीं हटेंगे, एक दो बच जाएगा, इसे कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए टाइम लगेगा उसमें, चलिए इतना करने के बाद से जो बाकी है यहाँ दिख रहा है। ठीक है, कुछ अभी बचे रहेंगे, कुछ और डिलीट हो जाएंगे, प्रोसेस चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। उसके बाद से अगर इतना करने के बाद वाले रिसाइकल बिन में फिर से चले जाएंगे, और यहाँ भी बहुत सारे डाटा है, डिलीट कर दे, मैसेज आ गया परमानेंटली डिलीट। जी तो कैंसिल करो, टाइम लगेगा। कुछ रनिंग प्रोसेस में इसलिए डिलीट नहीं हो रहा, अब इतना बचा रहेगा, इससे इससे ज्यादा नहीं होता। ये प्रैक्टिकल आप लोग कर लेना है। ठीक है, एक दो बचे रहेंगे, क्योंकि हम काम कर रहे हैं ना, तो हमेशा जनरेट होते रहते, डेली होगा। ठीक है, आज मैंने इतना किया ना, कल फिर से जाओगे तो इतना दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको हफ्ते में एक बार करना है, जितना आ जाए बस अपडेट कर देना। ठीक है, एक एक करके हो जाएगा, मतलब रनिंग प्रोसेस में जितना है उतना अपडेट होगा, तो आप लोग को यह कर लेना है। अगर इससे भी नहीं हो पा रहा है तो एक और तरीका अपनाना है, अगेन आपको आना है विंडो प्लस आर दबाना है,
टाइप करना है फ्री फेच और आल फाइल डिलीट कर देना, रिसाइकल बिन में जाएगा वहां से भी डिलीट कर देना। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर रिसाइकल बिन में ना जाए, बार बार रिसाइकल बिन से डिलीट ना करना पड़ेगा तो क्या करेंगे बोलो? अगर तुम सोच रहे हो कोई फाइल डिलीट करे और वह रिसाइकल बिन में जाए ही ना, बताया था कभी? चलिए सीख लो। पहले विंडो के साथ आर दबाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे फ्री प्रीफिक्स कंटिन्यू 235 है, बस कंट्रोल ए। और इस बार रिसाइकल बिन में नहीं जाने देना चाहते हैं, डायरेक्टली डिलीट हो जाए तो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएं। देखो मैसेज आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस आइटम? उन्होंने यस, डिलीट हो गया। एक रनिंग प्रोसेस हो, शिफ्ट के साथ डिलीट कर दबाना, बस प्रोसेस सेम है, लिख लेना आप लोग। परमानेंटली किसी फाइल को डिलीट करना है, किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ डिलीट। अभी देखो रिसाइकल में नहीं गया होगा, ठीक करी नहीं आया, 235 इतना ही है, या पहले वाला इसको भी हटा दे। क्लियर है? चलिए तो देखो आप लोगों को पता नहीं था, लेकिन देखो आपके सामने दिख रहा है उतने फाइल में हमारे हैं जिसका कोई यूज नहीं है, फिर भी हमारे सिस्टम पे रन कर रहा है, चल रहा है। ऐसा दिक्कत आता है, हमको नहीं पता चला सिस्टम पे लोड पड़ता है धीरे धीरे ना, अब धीरे धीरे ज्यादा हो जाता है, कोई सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, सेल्स को ब्लॉक कर देता है, और सेल्स सही से काम नहीं करते हैं, सिस्टम हमारा स्लो काम करता है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है अपडेट एंटीवायरस लेटेस्ट वर्जन, तो कल हम चर्चा किए थे इस पे। हाँ मतलब अगर तुम सोच रहे हो और सिक्योर हो तो आपको अपडेटेड जो प्रेजेंट टाइम अपडेटेड जो वर्जन आ रहे हैं ठीक है वह डालना चाहिए, नहीं 2 साल 3 साल पुराना, क्योंकि हमेशा 6 महीने पे साल भर पे ठीक है अपडेट होता रहता है, वर्जन नए नए वायरस आते रहते सिस्टम में ठीक है, उसके हिसाब से क्या किया जाता है एंटीवायरस को अपडेट किया जाता है। तो सबसे अच्छा रहता है क्यू खेल, क्यों खेल का बहुत अच्छे से चलता है ठीक है। और आप लोग क्या करना, गूगल पे जाकर उसको सर्च कर लेना, जब सर्च करोगे तो मिल जाएगा, यहाँ पे टाइप करना। देखो बता ना, एक एक साल वारंटी रहता है इसका, मतलब 1 साल बाद फिर से क्या करना पड़ता है आपको, रिन्यूअल कराना पड़ता है ठीक है। देखो मतलब अच्छा मिलेगा आपको 1,000 अमेजोन के थ्रू, मतलब प्रोफेशनल बेटर है। अगर उसे अगर आप चाहते हो तो देखो 1,500 मिल जाएगा, क्यों खिल का मिलेगा। और किसी का की का सहारा लेते हो तो 338 में ही मिल जाएगा। नहीं होता है कि मेरा की इस्तेमाल करिए कोड ठीक है, तो किसी से जुड़े रहते हैं लोग, जैसे मान लो कोई संस्था है, कोई यूट्यूबर है जो हमेशा खरीदता रहता है, तो उसको कुछ मिलता है बोनस करोगे तो अपना उसका की यूज कर लेते तो फिर पैसा कम हो जाता है, ये बता रहा है। लेकिन सबसे बेटर यही है, 1,000 लगेगा लेकिन बेटर तरीके से चले ठीक है। और ये भी देखो 500 में भी हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 500 का फर्क है तो दोनों में अंतर होगा ही होगा। ये देखो क्यू खेल एंटीवायरस 1 है, और ये देखो क्यू खेल एंटीवायरस प्रोफेशनल प्रो है ठीक है, बेटर तरीके से काम करेगा ठीक है, मतलब काम तो दोनों करेंगे लेकिन इससे बेटर सिक्योरिटी ज्यादा देगा। तो ऐसे लोग देखो यहाँ देख रहा है क्यू खेल बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पीसी लैपटॉप मोबाइल, मोबाइल के लिए भी है ठीक है। तो आते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, परचेस करेंगे, परचेस करने के बाद से इसको अपने कंप्यूटर में लोड कर लेंगे।
बस ये आपको करना होगा इस सिस्टम में, कुछ हम बता नहीं सकते, बस बता दिए कैसे सर्च होगा और कैसे आप लोग देखे उसका प्राइस। अगला है डिसेबल ऑटो अपडेट, नहीं, अपडेट ड्राइवर। अब अपडेट ड्राइवर का क्या मतलब है, तो मैंने हाल ही में पढ़ा है ड्राइवर के बारे में, बोलो क्या बताया था अभी ड्राइवर के बारे में, बताया कभी पाया था वो, यस तो बताया था। ड्राइवर मतलब क्या, चालक, बताया आपको ना, जो हमारे सिस्टम को क्या करता है, चलाता है। किसको, जैसे हमारा ये पीसी है, और जब बाहर से कोई डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कोई स्पीकर, माइक्रोफोन, इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ता है, तब बेटर तरीके से चलता है। और उस सॉफ्टवेयर को उसको चलाने के लिए लोड करते हैं, उसकी बोलते ड्राइवर। मतलब प्रिंटर को चलाने के लिए प्रिंटर का ड्राइवर डालना होगा, स्कैनर को चलाने के लिए स्कैनर का ड्राइवर डालना होगा, स्पीकर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए वो अलग ड्राइवर डालना पड़ेगा। मतलब ड्राइवर का मतलब उस डिवाइस को, उस उपकरण को चलाए, ठीक, उसके लिए ड्राइवर लोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपडेट ड्राइवर, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम में ड्राइवर ही अपडेट नहीं होता है, मतलब सिस्टम का ड्राइवर अपडेट नहीं होता है तो भी दिक्कत होती है, रनिंग प्रोसेस सही नहीं होता है। इसके लिए बताया जा रहा है कि अपडेट ड्राइवर, उसके लिए आपको दिस पीसी पे जाना होगा और राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करने वास्ते मैनेज पे जाना होगा, मैनेज पे जाने के बाद डिवाइस मैनेजर में आना होगा, वहां पे का ऑप्शन आएगा डिस्प्ले अडाप्टर, उस पर राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करने बाद वहीं पे का ऑप्शन आएगा अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, उस पर क्लिक करना होगा। अगर इंस्टॉल होगा तो मैसेज देगा, नहीं इंस्टॉल होगा तो भी मैसेज देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस है। इसके लिए आएंगे जिस पीसी पे, राइट क्लिक, नहीं लग रहा है क्या जी, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, अरे कहाँ चले गए, राइट क्लिक मैनेज, उसके बाद से डिवाइस मैनेजर, उसके बाद से डिस्प्ले अडाप्टर, और डिस्प्ले अडाप्टर दिख रहा है तो कोने में एरो की देखो बना है स्टार्टिंग, इस पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से देखो इंटेल का ग्राफिक्स है, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यही पे देखो ऑप्शन है अपडेट ड्राइवर, चेक कर लें है कि नहीं, तो हम लोग हमेशा पढ़ाते रहते हैं, होगा भी और नहीं होगा तो देखेंगे। सर्च करें, कर दो, मैसेज आ गया द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल, और नहीं होता तो खोजता, खोज के उसको इंस्टॉल करता, ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ाते रहते हैं, हफ्ते में या महीने में एक बार पढ़ाई देते हैं, तो जो अपडेट होता है वो अपडेट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा मैसेज दे रहा है। मतलब इस डिवाइस के लिए जो अपडेटेड है, जो सबसे बेस्ट ड्राइवर है वो लोड है पहले, ठीक है, अगर नहीं रहता तो उसको सर्च करता, उसको इंस्टॉल करता और ड्राइवर अपडेट हो जाता, क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ये समझो जो हार्डवेयर की दुकान पे लोग सिस्टम फॉर्मेटिंग उपडेट करते हैं, ये सब सेटअप करते हैं, वो हम पढ़ा रहे हैं, जिससे आगे चल के आप भी सिस्टम को फॉर्मेट करो, आगे चल के कोई दिक्कत हो तो आप आसानी तरीके से कर ले। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला है डिसेबल ऑटो अपडेट, और बताया जा रहा है इसके लिए जाना है कंट्रोल पैनल में, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में, सर्विसेज में, विंडो अपडेट में, और राइट क्लिक, स्टार्टअप टाइप, डिस्प्ले, रनिंग, स्टॉप, अप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें कुछ छूटा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑप्शन छूटा हुआ है, अब इसमें कहाँ पे लिखना है उसको देखने के बाद पता चलेगा, ध्यान देना। डिसेबल ऑटो अपडेट का मतलब क्या है, जैसे आप फोन चलाते हो ना तो हमेशा अपडेट आता है कि नहीं आता Yes, sir. है, लेकिन कई लोग डाटा बचाने के लिए कहते हैं दो चार बार अपडेट आ जाएगा तो एक बार हम डाउनलोड करेंगे उसको इंस्टॉल कर, बोलो, क्योंकि हर महीने में एक दो अपडेट हो जाता है और पूरा डाटा नहीं रहता कि 3 GB 4 GB कम अपडेट करें फोन, ठीक है, तो वैसे नॉर्मल चलाते रहते हैं, वैसे सिस्टम में विंडो भी अपडेट होता रहता है, अब ऐसा नहीं वर्जन बढ़ेगा, उसी में कुछ फीचर बढ़ते जाते हैं, तो दिक्कत क्या होती है, हमारे सिस्टम में पहले से सेटिंग है कि जो अपडेट आएगा अपने आप को क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है, ऑटो अपडेट हो जाता है, तो जब हमेशा बार बार ऑटो अपडेट होता है तो सिस्टम की प्रोसेसिंग कम हो जाती है, और बार बार सीपीयू पे हमारा क्या होता है वो रनिंग प्रोसेस चलता रहता है, और इस कारण सिस्टम स्लो काम करता है। तो मुझे जरूरी नहीं है
जब जरूरी रहेगा तो हम अपडेट करेंगे, प्रेजेंट डे में कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सिस्टम पर लोड ज्यादा पड़ रहा है उसके लिए क्या करते हैं लोग, जो ऑटो अपडेट चालू रहता है उसको बंद कर देते हैं। बंद करने से फायदा यह होता है कि तो विंडो के नए फीचर्स आते हैं और बार बार अपडेट होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, रुक जाते हैं कुछ टाइम के लिए जब तक हम उसको इनेबल ना करें। ठीक है, इसके लिए ये लिखा गया है डिसेबल ऑटो अपडेट। कैसे होगा चलिए करके देखते हैं। विंडो प्लस आर कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में आने के बाद से कैटेगरी को हम करेंगे लार्ज आइकन, मिलवे नहीं करेगा एडमिनिस्ट्रेटर को। कैटेगरी को क्या करेंगे लार्ज आइकन, और देखो सबसे फर्स्ट पे ही ऑप्शन आ गया दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, सर्विसेज पे डबल क्लिक करेंगे। अब खोज लेंगे कहाँ है, डब्ल्यू दबाओ, दिख रहा है ना। तो क्या है हमारे सिस्टम में इनेबल है, देखो क्या है इनेबल है, इसी को क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने बाद यही पे देखो छूटा है क्या प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे क्या लिखा गया है अपडेट पे राइट क्लिक और स्टार्टअप टाइप लिखा, तो अभी भी नहीं करेगा स्टार्टअप टाइप जैसे प्रॉपर्टीज पे क्लिक नहीं करेंगे, तो लिख लेना इसी में रो करके हाँ क्लिक के बाद प्रॉपर्टीज। हाँ राइट क्लिक करने बाद एरो बना देना उसी में प्रॉपर्टीज, हो गया। उसके बाद से कहाँ आना है स्टार्टअप टाइप में, और स्टार्टअप टाइप में क्या करना है आपको डिसेबल कर देना, क्या कर देना है डिसेबल, अप्लाई ओके ठीक है, बस डिसेबल हो गया प्रोसेस। अगर रनिंग प्रोसेस को भी बंद करना है तो प्रॉपर्टीज स्टॉप ओके, देखो रनिंग नहीं हो रहा हो जाएगा, तो यह तरीके हैं ऐसे लोग लाके बंद कर देते हैं। यहां तक आ जाओ तो कर लोगे ना, कर लेना। और अगला है कि अगर इंटरनेट यूज करते समय हमारा सिस्टम स्लो काम करता है तो हमें क्या करना होता है, रिमूव अनवांटेड एक्सटेंशन। जैसे क्या क्या करना होगा समझिए, पहले तो समझो अनवांटेड एक्सटेंशन का क्या मतलब है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक कुछ डाटा जब तक एक्सटेंशन लोड नहीं करेंगे तब तक हमारे सिस्टम पे शो ही नहीं। जैसे मान लो पीडीएफ कोई है, तो पीडीएफ के लिए वो पीडीएफ का एक्सटेंशन लोड करते हैं, जब तक तो वो एक्सटेंशन लोड नहीं करेंगे तब तक हमारे सिस्टम पे पीडीएफ शो ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे अनवांटेड एक्सटेंशन सिस्टम पे आ जाते हैं अपन, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं है, इस्तेमाल करना नहीं होता है। आप क्रोम ब्राउजर में पहले से आए होते हैं क्योंकि क्रोम ब्राउजर से चलाते हैं। ठीक है, तो क्रोम ब्राउजर में ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि जो भी अनवांटेड फाइल है एक्सटेंशन है जिसका कोई यूज नहीं है, बेकार के एक्सटेंशन पड़े हुए, ठीक है, और आगे यूज है लेकिन समय नहीं है यूज, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने से फायदा यह होगा कि एक्सटेंशन खाली रहेगा, स्पेस जगह बचे रहेंगे, तो जब ब्राउजर रन कराएंगे तो बेटर तरीके से रन करेगा, गूगल सर्च इंजन जो है वो बेटर तरीके से रनिंग करके डाटा को सर्च करके बताए, और उसलिए हम लोग क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सिस्टम स्लो काम करता है तो नेट भी स्लो काम करता है, नहीं, जब हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है और इंटरनेट भी बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है जब सर्च कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है, और जब टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
ये करना पड़ेगा। तो आते हैं क्रोम पे। क्रोम पे आने के बाद से कहाँ जाएंगे? इसी 939 3 डॉट दिख रहा है आपको, इसी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद से सेटिंग पे आना होगा, मतलब क्रोम ब्राउजर ओपन लिखवाया उसमें लिखा है ना, सेटिंग पे आएंगे और यहीं पे आएगा एक्सटेंशन, यहाँ पे किनारे आपको क्लिक करेंगे। तो देखो मेरे में एक एक्सटेंशन इनेबल है। क्या इनेबल है? सिंपल अलाउ कॉपी। मतलब कुछ ऐसे ब्राउजर होते हैं जो डाटा को कॉपी करने नहीं देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस एक्सटेंशन को लोड करते हैं। यह क्रोम का एक्सटेंशन, तो यह लोड किया हूं, जब जरूरत पड़ेगा इसको इनेबल करके उसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे आज जरूरी नहीं है, तो क्या करेंगे इसको यहीं से रिमूव कर दें। क्या हो जाए ऐसा आपको मिल जाएगा, एक दो मिल जाएगा, आप में दो मिलेगा, एक गूगल डॉक मिल जाएगा और भी लड़के अगर किए होंगे ठीक है तो मिल जाएगा, गूगल डॉक मिलेगा मिलेगा आपको। हाँ नहीं मिलेगा तो बहुत अच्छा, कर ले जाओगे ना। तो यहाँ ध्यान देना, वह ऐसे लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं, चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे हमें लिखेंगे क्या, सिंपल अलाउ कॉपी एक्सटेंशन, यही मान लो एक्सटेंशन है, क्लिक करना पड़ता है। अब किस काम में आता पहले पता होना चाहिए, नहीं कोई एक्सटेंशन लोड कर दो। और यहाँ पे ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन हो गया। चलिए रिमूव करना नो। अब देखो अभी हटाया हूं ना, फिर से आता हूँ सेटिंग पे आता हूँ। आया है ठीक है। ऐसे लोग जब जहां जरूरत पड़ेगा तो आप लोग धीरे धीरे काम करो, सीखते जाओगे कब कहाँ कौन सा एक्सटेंशन लोड किया जाता है। बस यहाँ हटाना, ठीक चलो नेक्स्ट अगला सीखते हैं। डिसेबल रीस्टोर पॉइंट, इसके लिए देखो क्या मतलब है इसका। डिसेबल जो रीस्टोर पॉइंट होता है, यह सिस्टम में ऑप्शन पहले से दिया है। और होता क्या है, आज सिस्टम पे क्या काम कर रहे हैं, कल हमने क्या काम किया था, सिस्टम पुरानी बातें जो पास्ट का है उसको याद करके रखा रहता है कि आपने पहले क्या किया आज से पहले। लेकिन दिक्कत यह होती है कि ऐसा रहता है कि आज से पहले ने क्या किया है ठीक है, वो हमको दिखाई दे देता तो बेटर रहता। लेकिन क्या करता है यह सिस्टम, बस अपने पास इसको स्टोर करके रख लेता, हम उसको ओपन करके देख नहीं सकते, उसका यूज नहीं कर सकते ठीक है। तो स्पेस ज्यादा लेता है और पुरानी बातें याद करके रखता है और कोई फ्यूचर उसका यूज ही नहीं है मेरे लिए। तो ऐसे डाटा को रखना ही नहीं है। तो होता क्या है, कई सारे सिस्टम में बंद होता है और कई सारे सिस्टम में ऑन होता है। तो जिस सिस्टम में ऑन होता है तो पुरानी बातें याद करके रखता है, अब कुछ MB ठीक है, कुछ KB में डाटा स्टोर रहता है, लेकिन उसको कोई नहीं चला सकता है, वो बेकार का फाइल है, पहले से रखा रहता है ठीक है। तो ऐसे डाटा को भी हमको हटाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कैसे हटाना पड़ेगा, इसके लिए हमको डिसेबल करना पड़ेगा। जब तक इसको डिसेबल नहीं करेंगे तब तक वो कल कैसा था, 2 दिन पहले कैसा था, क्या काम कर रहे थे, सारी बातें याद करके रखा रहता है ठीक है। यही मैंने लिखवाया है कि डिसेबल रिस्टोर पॉइंट के लिए कंट्रोल पैनल में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम प्रोटेक्शन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, डिसेबल सिस्टम प्रोटेक्शन में जाएंगे, क्योंकि डिसेबल करने से हमारा सिस्टम कल कैसा था परसों कैसा था वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन डिसेबल कर देने से वो बार बार रिस्टोर पॉइंट क्रिएट नहीं। तो बार बार क्या कर रहे हैं, वो हटाना है नहीं दिखाना है, उसके लिए इसको बंद करना पड़ेगा। बंद कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। विंडो प्लस आर कंट्रोल पैनल कहाँ जाएंगे, सिस्टम में ना दिख रहा, कहीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले में
अब कहाँ जाना है? सिस्टम प्रोटेक्शन कहाँ है? बगल में मिलेगा, खोजते रह जाना। उसके बाद कहाँ जाना है? हाँ, कॉन्फ़िगर कौन करेगा? कहाँ पे आएंगे? कॉन्फ़िगर में। और देखो यहीं पे क्या है, यहाँ पे डिसेबल है। और यहीं पे लोग क्या रहता है, कई लोगों का टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन, यहाँ से ऑन रहता है। जब ऑन रहता है ना तो कितना यूज किए यही को बता देता है, मैक्सिमम यूजेज। तो हमने हमेशा बंद करके रखे रहते हैं, सिस्टम पे लोड कम पड़े तो देखो यहाँ पे डिसेबल कर देंगे और अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। कुछ लोग में ऑन रहेगा, तो ऑन होगा तो उसको बंद कर देना। अब बंद है तो बंद रहने रहना बस। मतलब जो यूज करेंगे बताएगा कितना बाइट, कितना केबी, कितना एमबी, कितना जीबी यूज किए, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई रिस्टोर भी नहीं कर सकता, चला भी नहीं सकता इसका। और यही मेरे को ऑप्शन दिया है कि डिलीट ऑल रिस्टोर पॉइंट फॉर दिस ड्राइव। यहाँ से लोग आ जाता है फिर से यहाँ से डिलीट करते हैं, कुछ तो हम डिसेबल कर दे, डिलीट ना करना पड़े, समझे ना? इसीलिए हम सिस्टम में क्या किए हैं, डिसेबल कर दिए, अप्लाई कर दिए, ओके बस। और अगला वह है डिस्क डिसफिगरमेंट, या क्या होता है, जो होता क्या है, हम जानते हैं कि जो डाटा हमारा जो स्टोर रहता है वह छोटे छोटे टुकड़ों में स्टोर रहता है, ठीक है ना? तो जो डिस्क डिसफिगरमेंट जो होता है वो क्या करता है, वो डाटा को छोटे छोटे जो टुकड़ों में रखता है, उसके लिए सबसे ज्यादा जो लोड पड़ता है वो सी ड्राइव पे लोड पड़ता है। तो उसको हमको बार बार ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, जिससे बार बार वो आसानी तरीके से डाटा को सही से डिवाइड कर सके, डाटा को स्टोर कर सके, जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो इसके लिए आपको हमेशा हफ्ते में या महीने में एक बार लोकल डिस्क को ऑप्टिमाइज करके, ठीक है, कुछ सर्विसेज को बंद करना पड़ेगा, ठीक है, तब बेटर तरीके से काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा, ठीक है? तो सिंपल सा मतलब है क्या करता है, तो चलो देखते हैं इसके लिए कहाँ जाएंगे। सर्च बॉक्स में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे डिफ्रेगमेंट्स, यहाँ पे आ गया, क्लिक करना है। क्लिक करने बाद से ऑप्शन कुछ दिख रहा है क्या? लोकल डिस्क सी को सेलेक्ट करना, किसी को मत सेलेक्ट कर लेना, सी को सेलेक्ट कर लेना। और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है ऑन, यहाँ पे दिया ऑप्टिमाइज, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन है, बस क्या कर देंगे इसको स्टॉप, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोसेसिंग क्या होंगे, देखो यहाँ पे बता रहा ना 0 डे, देखो ये बता रहा है 7 डे, 18 डे, लेकिन इसका क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब या क्या करेंट स्पेस क्या है, क्या हमने इस्तेमाल किया उसको, ये ब्लॉक कर देता है और इसी कारण बेटर तरीके से चलता है, ठीक है? देखो ये जो हिसाब किताब रखता है वो डेली रख सकता है, वीकली रख सकता है, मंथली रख सकता है, क्या हमने क्या वर्क किया है, लेकिन इसमें डाटा का भी कोई यूज नहीं, ठीक है? इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। बंद करते देखो 0 डे आ गया, तो जो यादें रखा है भी वो हट गए, बेटर तरीके से काम करेगा। क्यों मैंने सी को ही किया, क्योंकि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर रनिंग जो प्रोसेस में होते हैं, जो इंस्टॉल होते हैं, किस पे होते हैं, सी ड्राइव में होते हैं, इसलिए मैंने इसको किया है, अदर कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं। और अगला है क्लीन बूट, क्या है क्लीन बूट? और क्लीन बूट में होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसकी कई सारे सर्विसेस होते हैं, बहुत सारे सर्विसेस होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम, ठीक है, कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, लेकिन इसके अलावा कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है, और फिर भी हमारे सिस्टम पे लोड होता है, इसके लिए क्लीन बूट करना पड़ता है। मतलब अपने सिस्टम को ही बूट कर देते हैं। अब बूट करने का मतलब होता है जब सिस्टम को ऑन और ऑफ किया जाता है उसे बोलते हैं बूटिंग। बाद में क्वेश्चन आता है बूटिंग किसे कहते हैं, तो सिस्टम को ऑन ऑफ करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। अब क्वेश्चन, बूटिंग के समय होता क्या है, तो बूटिंग के समय हमारे सिस्टम को चेक किया जाता है कि हमारे सिस्टम में जितने रिसोर्सेस हैं सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर सही से काम करता है तो सिस्टम हमारा ओपन हो जाता है। अगर कोई रिसोर्स में कोई दिक्कत है, किसी हार्डवेयर में कोई दिक्कत है, तो तुरंत क्या करता है, सिस्टम एरर दे देता है,
और एरर से हमको पता चलता है हमारे सिस्टम में यह दिक्कत है। आप लोग फोन चलाते हो ना, आपके पास अब फोन में आपका ना रीबूट, मतलब क्या है, क्यों करते हो, हमेशा करते हो क्या, नहीं सिस्टम में काम करते हो, कई बार ऑप्शन भी काम नहीं करते हैं, चीज इधर उधर प्रोसेस होने लगते हैं, हैंग करता ज्यादा, बंद भी नहीं होता है, तो क्या करते हो आप लोग, रिस्टार्ट कर देते हो, मतलब रिबूट कर देते हो, सिस्टम ऑन होता है, आपका फोन ऑन होता है और फिर से क्या होता है, चलना स्टार्ट हो जाता है नए सिरे से। मीन्स मतलब क्या है, जो प्रोसेसिंग था जो दिक्कत है उसको चेक कर लिया, चेक करने के बाद फिर से ओपन हो गया। अगर कोई दिक्कत होता तो हमारा फोन ओपन नहीं होगा और उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर से दिक्कत है या हार्डवेयर से दिक्कत है। वैसे हमारा सिस्टम भी होता है, जब भी सिस्टम ऑन करते हैं तब बूट होता है, सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं तब बूट होता है। बूट होने का मतलब सिस्टम को चेक करना, सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या है, कोई रिसोर्स ऐसा तो नहीं है जो काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है तो ऑन हो जाएगा, नहीं काम करेगा तो ब्लॉक कर देगा और कुछ ना कुछ एरर के रूप में मैसेज देगा कि आपके सिस्टम में यह दिक्कत है, इसे बोलते हैं बूट। तो हम सोच रहे हैं क्लीन बूट कर दें जिससे सिस्टम का परफॉर्मेंस और बेटर हो और कोई दिक्कत ना हो सिस्टम चलते समय। तो बताया जा रहा क्लीन बूट के लिए क्या करना पड़ेगा, विंडो प्लस आर दबाना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा एमएस कॉम्फिग सर्विस ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट करना होगा, और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस लेना है तो यही पे ऑप्शन आएगा हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, इसको क्लिक करके इसको डिसेबल कर देंगे। ऐसा करने से माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर पूरी एप्लीकेशन डिसेबल हो जाएगी, अप्लाई कर देंगे। इसके बाद सिस्टम क्या मांगेगा, रिस्टार्ट मांगेगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया है बूटिंग किसे कहते हैं, सिस्टम को ऑन करते समय बूट होता है या सिस्टम को बंद करते समय बूट होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्टार्ट और ऑन करने की प्रक्रिया को बोलते हैं, ठीक है, रिस्टार्ट और ऑन करने की प्रक्रिया को बोलते हैं बूटिंग। लेकिन हम लास्ट में करेंगे, इसीलिए हम इसको थोड़ा बंद करते हैं।